Hi, hi. We have just come up to receive you, please. Hi, Richa. Hi. Richa ने पूछा है रणवीर जैसे कि आप शादीशुदा ना होते तो उनका आप पे क्रश है अभी भी क्या आप उनसे शादी करते पहले बचपन में होगा नहीं अभी भी है अच्छा फिर ठीक है थोड़ा 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 क्यों Because he's married now, so that's why. आपने जिस तरीके से लिखा है आप एक विलेन क्यों हैं अभी थोड़े टाइम पहले पास में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो मेरी खुद की गलती की वजह से है और मैंने बहुत लोगों का दिल दुखाने की कोशिश करी है इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स सो दैट्स व्हाई आई थिंक दैट आई एम अ विलन ऑफ माय लाइफ एंड अभी तक मैंने ऐसा कुछ नहीं करा जो मैं किसी के लिए अच्छा कर सकूँ या खुद के लिए भी अच्छा कर सकूँ जैसे क्या खराब क्या क्या खराब चीज़ें की आपने लाइक आई वॉज इन टू ड्रग्स सो उसकी वजह से मैंने अपनी फैमिली को बहुत हर्ट किया है रिहैब गए थे रिहैब गई थी फिर मैं वहां से भाग गई थी कि इसका रीजन क्या है किस वजह से आपने स्टार्ट किया था ब्रेकअप हुआ था उसके बाद नॉर्मली आई फेल्ट लिटिल बैड और समथिंग उसके बाद मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया जस्ट टू ट्राई इट एंड आई जस्ट स्लिप्ड इनटू इट या आई कांट अच्छा आपने अपने फॉर्म में बहुत कुछ लिखा है हां जी जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं Are you comfortable yeah. talking about everything that's written in your form? Yes, I am. Okay. Did anything stem from this part where you were, where you've said you've gone through sexual abuse? वो चीज़ ऐसी थी जो मैंने अभी तक किसी को भी नहीं बताई. How young were you? 2 years back only, and that was just because of my drugs and all. नशों की वजह से. कौन है? रिश्तेदारी में है दोस्त. नहीं नहीं नहीं. मैं मेरे फ्रेंड के वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन उसके डैड व्हाट व्हाट आई वेंट टू अ पार्टी विद माय फ्रेंड उसके डैड और मॉम दे आल्सो यूज्ड टू डू क्लबिंग एंड ऑल सो वो लोग वहाँ पे आए थे ही मेक अस मीट टू हिज पेरेंट्स एंड देन उस दिन आई हैड समथिंग उसके बाद मैं पार्टी में गई देन आई हैड ड्रिंक्स ऑल्सो सो आई जस्ट पास्ड आउट सो उसके बाद व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग आई वॉज इन हिज डैड्स रूम अलोन एंड इट वॉज लाइक डू यू नो व्हाट हैपेंड नो दैट्स द प्रॉब्लम वही चीज़ मुझे अभी तक वो होती है कि मेरे को यही नहीं पता कि एक्चुअली मेरे साथ हुआ क्या था यू डिडंट बॉदर चेकिंग अप यू डिडंट बॉदर लाइक या अगर उसी टाइम 24 आवर्स के बीच में हो तो पता लग जाता है आई हैड दैट पिल थिंग आई कांट इमेजिन हाउ स्कैरी इट मस्ट हैव बीन या व्हाट नो यू हैड द पिल इज डिफरेंट या बट जब आप उठे यू मस्ट हैव सीन योरसेल्फ इन अ सर्टेन स्टेट या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग दैट्स व्हाई आई स्टॉप एट दैट पॉइंट आई वाज लाइक आई वाज न्यू एट दैट टाइम Where was your friend? He was at his mother's place because he lives with his mother. तो तुम्हें कुछ नहीं पता तुम इस condition में कैसे पहुंची? And after that, I tried calling him also, but he didn't pick the call. I can understand the fear when yeah. she wakes up like that. Of course. I can understand the fear that you cannot retaliate and you're not physically strong enough to fight. I see. But. Shouldn't have let it go, yaar. It is going to haunt you for life, and you know that. It does, but so I can't do anything about it. Uske against to kya karegi? Usse ladegi kaise? Main nahi lad sakti because I don't have that any kind of a you know, koi mere paas saboot ya kuch nahi hai. Have you told your mom and dad? No. Why? Because I cannot. What do you want to do about it? Nothing. You want to do nothing about it. कुछ नहीं होगा और करना मुश्किल होता है ऐसे कहने से कुछ नहीं होता है कि हम उसको कर देंगे और ये कुछ हो सकता है उसके लिए When you woke up in the room, where was the mother? They both are divorced. They live separately. Oh, because you said they were वो दोनों clubbing करते हैं और दोनों साथ party में they party together. But with different person, वो एक साथ रहते नहीं हैं. Okay, this is why she can't do anything about it. Exactly because he lives alone. वहाँ पे कोई और नहीं था मुझे देखने के लिए कि मेरे साथ क्या हुआ.
और मेरा फैमिली भी मुझे सपोर्ट नहीं करेगा. आई डोंट थिंक सो. यार कैसी बात कर दी तूने यार. एज सून एज शी सेज टू द पुलिस मैं ड्रग्स लिए थे. अब आगे ये फंसी ना सबसे पहले. वो ठीक है, इट्स ओके. ओए वो प्रूफ हो या ना हो कोई बात नहीं, रोना नहीं है. Why are you so scared? It's very strong to let it go as well. छोड़ना ही बहुत मुश्किल होता है. I don't know, बहुत गंदे लोग हैं आजकल. Everybody is just running after this thing. You have to protect yourself, yes. Na? You Everybody protect is yourself. Just running after this. That's why I don't talk to even anyone. This is not your fault. You're out of it. But you guys, I see this thing like this. But ये society ऐसे नहीं देखेगी. You're not answerable to society. I am answerable to my parents, yes, right? Yes, you are. Yes. And you have to build the trust with your parents again. That is on you. Unka trust, jaise unhone bola hai, aapko dobara gain karna padega. Do whatever it takes. Listen, Richa, you don't need to be, but you can actually be a beacon for girls who are lost. And you can be a voice and a guide for them. Because you've been through it, you've come out of it. You're totally come out of it. It's a very powerful voice that you can have if you choose to use it. Nothing. I just can't even think of that. दोस्त बदल दिए ना. That's you got the point because मैंने वो दोस्त ही हटा दिए ना जो मेरे को मतलब अगर मैं नहीं भी करना चाहती थी तो मेरे दोस्त होते थे वो करवाने वाले. बहुत मुश्किल होता तो strong है. Like I said, important thing you're here now. Yes. Yeah. Yes. Richa. Me na. Before I. That's why I wanted to do that. Started asking you questions. मैंने पूछा था will you be okay getting into it now. Now that we're past that, let's start afresh. चलो पॉजिटिव चीजों की बात करते हैं. फेवरेट थिंग टू डू अगर आज हम लोग आपके दोस्त होते और हम बोलते हम वही करेंगे यार रिचा जो तेरे को करना है. We'll go for some bowling or something. Bowling. Bowling is good. Let her be the ball. Roll and hit the pins. ठीक है. Okay, let's the four of us, all five of us become the pins. ये आपकी लाइफ का मोस्ट मेमोरेबल बोलिंग एक्सपीरियंस होने वाला है. वी आर द पिंस, यू कैन टेक अस डाउन. कम ऑन, लेट्स सी अ स्ट्राइक. सबसे ज्यादा प्यार मुझे ही. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. गुड गुड गुड. चार गैंग लीडर्स हैं यहाँ पर. यस. आई डोंट नो इनके मन में भी क्या चल रहा है, बट अगर इनमें से किसी भी तीन ने आपके लिए बत्ती जला दी, इट मीन्स कि आप रोडीज की जर्नी में आगे जाएंगे. अगर नहीं जलाई, डजंट मैटर. Already, this is a plus for you, I think. Right? They have 10 seconds. Guys, your 10 seconds start now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. I want this to be the beginning of your new life. This for me means you have to get over everything, be fresh, start new, make good friends, make new memories, and start a new life. मैं कुछ कहना चाहता हूँ to the other gang leaders as well. हम कभी कभी कहते हैं कि यहाँ पे जो लोग रोडीज ऑडिशन के लिए आते हैं, फेम के लिए आते हैं, नाम बनाने के लिए आते हैं, बट समटाइम्स देयर समबडी हु एक्चुअली डिजर्व इट. देयर इज अ स्पॉट, यू नो, इट कैन रियली मेक अ डिफरेंस इन देयर लाइफ. इज शी रोडीज मटेरियल? ऑनेस्टली आई डोंट थिंक सो, बट आई थिंक कि अगर आप जर्नी पे निकली, इफ यू कम टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया और आप देखोगे कि वो कैसी जगह है, आप कुछ लोगों से मिलोगे, आई थिंक लाइक रफ्तार सेज, इट कुड रियली चेंज योर लाइफ. इट कुड. आई मस्ट ऐड टू दैट निखिल, ग्रेट थॉट, पर मेरे हिसाब से beginning of a new life has already happened here. मुझे ये नहीं मालूम कि रोडीज एक्सट्रीम की जर्नी इसकी जिंदगी बदलेगी for the better or for the worse. Or for the worse. And I can see her getting very influenced very fast and she's not ready for it. Here's the thing, between the two judgments, Nikhil और नेहा ने जो बोला है और रफ्तार ने, what Nikhil said is 100% true ki agar hamare sath aisi journey pe jayegi, but Nikhil, it is not that journey. I can't promise that to you, you can't promise that to her right now. Aapko bhi nahi pata extreme kaisa hai, your intention is right, but
You understand? Agar ye empty, I still think ki agar ye tent mein rahegi and she gets her ass kicked, it'll be good for her. Brother, what if somebody in that tent she falls in love with and cheats on her, breaks her heart, then votes her out, she's and healing, she loses? I still think that'll be good for her, better than staying in a city. I still think it'll be better for her than staying in a city. Richa, you have to understand, we are all coming from a place of concern. Hum sab ek hi cheez chahte hain, tumhara bhala. Un dono ne light on karke ye socha hai ki tumhara bhala hoga, aur baki hum sab ne ye socha hai ki tumhara bhala hoga tumhe ghar bhej ke. Aur jaise Ranvijay ne kaha, you have other battles to win right now. And Rory's extreme is not one of your battles. निखिल सही बोलते हैं और नेहा भी सही बोलती है, रफ्तार भी सही बोलता है. मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि कलिंग राउंड तक क्या आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो कि नहीं, स्ट्रॉन्ग मेंटली हो सकते हो कि नहीं. इफ यू रेडी वील सी विल टेक यू, इफ नॉट यू हैव दैट वन स्टेप, यू वन स्टेप क्लोजर. इज दैट फेयर? ये है रोडीज एक्सट्रीम की चाबी. दिस टेक्स यू वन स्टेप क्लोजर. लाइक आई सेड, I still don't think you're Rhodey's material. Magar aapke paas 2 months ka waqt hai to come to that level. It's not only about mental fitness. It's not about being mentally strong. It's, that's not all it takes. Okay? I won't let you down, for sure.